नमस्ते, आऊं प्रज्ञा स्लोत्रा सिद्धी लकीर च तुसें सारे लोकें दा मता मता मलार करनी आ। पाडर जिथे मां मचेला आली दा दरबार है ओरे ठीक कोल गए एक ग्रां है पलाली। उस ग्रां च ठंड भी बथेरी है, उस ग्रां दी सड़क भी कच्ची है, और एक वीडियो जिहड़ी मैं तुसें दस लगी हां और जिहड़ा एक अद्धा घर जिहड़ा लब्भा रहा ओरी छत भी कच्ची है। पर इस ठंड च, इस कच्चे रस्ते च, उस पलाली ग्रां दे निक्के निक्के बच्चे बीजेपी का प्रचार करते तो बीजेपी का झंडा लेके क्या फिरा रहे, आओ देखो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हमारे पलाली पंचायत में गुनहाल विलेज बच्चों की रैली निकली आज। जाबर है। वीडियो तुसे दिखी ली, इस वीडियो च निके निके न्याणे कच्चे रस्तियां च चला दे, अथे च बीजेपी दा झंडा फड़दा और नाले ला रहे बीजेपी जिंदाबाद। इथों ए तो साफ पता लगी जांदा कि बीजेपी दे कार्यकर्ता जड़े ने वो इस पलाली ग्रां च पुजे रहे ने, और उनका मैसेज जड़ा पार्टी का वह भी लोगों तक पुज रहा है, तांगे इन बच्चों के हाथ च बीजेपी के झंडे झंडे भी है तो डंडे भी है ना। पर इतों यह भी पता लगता कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो पुजी तो ना, पर बीजेपी के नेता जड़े लोग ने हले वह नहीं पुज रहे, क्योंकि जे वह पुज रहे होंगे तो ये कच्चे रस्ते उपर जो बच्चे चला देने वो रस्ते भी पक्के होंगे, और जोड़े पिछे एक अद्धा कच्चा घर लब्भा रहा वह भी पक्की छत जी है उन्हें लोगों की थोई दी होंगी। दुए पासे कांग्रेस की गल कर लैने जी, ये आखदी कि अस दूई बड़ी पार्टी है, जे तुस एड्डी बड़ी पार्टी हो तो तुस कैले नहीं पुजे रहे तक ग्रामीण बीजेपी आलियां कोला, पहले तो तुस गए अल तक ये सड़क जी पक्की हुई आनी चाहिए, लोगों रे जी छत भी जी है वह भी पक्की हुई आनी चाहिए, पर हले भी उ हाल है कि कच्चे रस्तियां बच्चे जड़े ने वह चला देने और इन हाथ च बीजेपी का झंडा है। इतों यह पता लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जड़े ने वह इस पलाली ग्रां तक पुजते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जड़े ने, कांग्रेस का कोई भी वर्कर हले तक इन ग्रामीण नहीं पुजे है। इं लगा रहा कि ठंड जी बड़ी पे रही, और कांग्रेस के सारे जड़े वर्कर ने या कार्यकर्ता ने या नेता लोग भी है ना, वो रजाइया बैठी है ना, अपनी रजाइया जड़ी गर्म करा देन, उनेंगी कोई लोड़ नहीं है इस वेले कि चुनाव चाहे बाहर निकलचे और जो सा पार्टी का मैसेज है वह अहे मैसेज लोगों तक पहुँचाचे। उनका के दिखने की थोड़ा बीजेपी आलियां की पहले गल करनी है कि हर एक ग्रां वाले बखी जाओ, बीजेपी आलियां ने शैल अपना दफ्तर भी बनाया रहा, हर ग्रां च इंदा दफ्तर जड़ा तुहें गी जरूर लभग, उठ के कांग्रेस की ग्रां की गल तो छड्डियो, सिटी च जड़ा दफ्तर है कोई पूछे हाँ जी भाई कांग्रेस का हैडक्वाटर जड़ा वो कुत्थे है, तो लोग अगू आखते हो इंडिया केक हाउस के ठीक कोल, और जो बाहर सब्जी वाला बोलता ना बस और कन्ने के बी कांग्रेस आलियां का दफ्तर है ना, तो इतने कोई ढंग का बोर्ड लगेगा ठीक है ना, तो इतने अं इंदा इंटरव्यू लैन जाई सकने की के इंदा इंटरव्यू के लैन जाना साड़ी तो पिछू ट्रैफिक पुलिस आले गड्डी के चुकी ले जाते हैं, या फिर यह होंदा कि इन्हें फोन मारो तो यह आखते अज संडे है अज साड़ी छुट्टी है और साढ़े दफ्तर च लगे रहे ताले, सरकारी दफ्तर लगता है इंदा दफ्तर ना कि कुछ पार्टी का दफ्तर लगता है, क्योंकि ऐतवार जड़े रहेंगे बूहे जड़े वो बंद होंगे टोटली एक घर बैठे दे होंगे, और यह भी गल आख गई कि अगे पिछे इंदे ना जे साढ़े नेता ने कांग्रेस के जड़े बड़े बड़े इंदे तुसें गी वह भी लभन गए, कॉलेज भी लभन गए, इंदे ना तो तुसें स्कूल भी लभन गए, पर इंदे जड़ा हैडक्वाटर है कांग्रेस का और बूहे तुसें ऐतवार बंद लभन गए, एक बड़ा जिहा ताला भी लगे रहा। खाली ना आख गई कि जे तुस चाहते हो कि लोग जड़ा ना तुंदे उपर माड़ा जिहा भरोसा करे, लोग जड़ा तुंदे भी निके निके बच्चे इ्यां गे तुंदे भी झंडे जड़े कांग्रेस दे झंडे लेइए फिरन नारेबाजी करन कि कांग्रेस जिंदाबाद, तो उहदे ताईं तुसें गी पहले ग्रां ग्रां पुज्जना पौना, लोकां तक पुज्जना पौना, अपनी पार्टी का मैसेज जड़ा उहदे तक पहुँचाना पौना, क्योंकि दिखने की इहो थोड़ा कि जे बीजेपी सरकार च है तो भी प्रोटेस्ट बीजेपी के करा रही होंगी, जो सरकार च नहीं है तो भी प्रोटेस्ट जी बीजेपी के करा दी है, बीजेपी हर टाइम एक्टिव उनकी नज़र आती, पर कांग्रेस जड़ी है वह कुदे भी नहीं लभा रही है, तो लभने ताही तुसें उन रजाइयों तो बाहर निकलना पौना,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪੇਟੀਆਂ ਬਦਲੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਕਿ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਪਲਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਲੰਬਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁੰਦੇ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਈਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡੂ 'ਚ ਫਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਓ।